नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ कंफ्यूजन की राजनीति करते हैं। उनके इस बयान पर मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा कि भ्रम फैलाने का काम कौन करता है, जनता के बीच जाकर झूठे भाषण कौन देता है, इन 17 सालों में झूठी घोषणा किसने की है। कमलनाथ तो विजन पर काम कर रही है, शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल विज्ञापनों पर काम कर रही है, जनता देख रही है। भाजपा के नेता और उनके मंत्रियों को कांग्रेस पर आरोप लगाना बड़ा अच्छा लगता है। भाजपा भगवान राम का नाम तो लेते हैं, पर भगवान राम को कौन सी बात पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। छल कपट करके सरकार बना रही है। देखिए, भ्रम फैलाने का काम कौन करता है, जनता के बीच में जाकर झूठे भाषण कौन देता है, इतने सालों में झूठी घोषणाएं किसने की है। कमलनाथ जी तो विजन पर कार्य कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल विज्ञापनों पर कार्य कर रहा है, टेलीविज़न पर कार्य कर रहा है। तो जनता तो साफ देख रही है कि किसके मन में दूरदृष्टि सोच है, कौन विजन पर कार्य कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जरा एक बार पलटकर हमारी 15 महीनों की सरकार देखें और उनकी 15 सालों की सरकार देखें, इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि कमलनाथ जी पर पूरे प्रदेश का विश्वास है और अधिक विश्वास होने की वजह से 2018 में हमने चुनाव जीता था और 2023 का चुनाव भी हम विधानसभा का जीतने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.